किसान अंदोलन के हक में नारा मारन के लिए दुनिया भर में वसते किसान हितैषी वखरे ढंगां दे नाल किसान अंदोलन के हक में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मेलबॉर्न विखे एक दलेर पंजाबन कुड़ी बलजीत कौर ने बिल्कुल निवेकले ढंग दे नाल किसान अंदोलन की हिमायत की। बलजीत किसानी अंदोलन के हक में अपना समर्थन देने लई धरती तो 15,000 फुट की उचाई ते जा पहुंची। बलजीत ने 15,000 फुट तो किसानों के हक में हवाई छाल मारी और किसानों के हक में नारे लगाते हुए जमीन ते वापसी की। इस दौरान बलजीत ने जड़े कपड़े पाए हुए सन उन्हों उपर भी किसान अंदोलन के हक में स्लोगन लिखाए हुए सन। हालांकि बलजीत ने छाल मारन तो पहला किसानी झंडा आसमान में लेके जाने की इजाजत मंगी सी, पर सुरक्षा कारण करके उसने अपने कपड़े ते मास्क उपर ही किसानी अंदोलन समर्थन करते स्लोगन लिखवा ले। गलबात के दौरान बलजीत ने दसा कि जिला लुधियाना के पिंड रोड़का कलां की जंपल है। 2017 में वह विद्यार्थी विजे से मेलबॉर्न आई थी। वह इतने समाजिक विषयों पर मास्टर डिग्री कर रही है। बलजीत ने भावक होंदे हुए दसा कि खबरों से सोशल मीडिया राही ठंड में दिल्ली दी सरहदों पर बैठे बजुर्गों बच्चों और औरतों को वेख के दुख होंदा। भावें वह किसान अंदोलन में जा नहीं सकी सी, पर उसने वक्रे ढंग के नाल किसानों के हक में अपनी आवाज़ बुलंद करने का निश्चय किया। अपनी जेब खर्च विचों पैसे बचा के इस काम को पूरा किया। साहस भरे कामों का शौक रखने वाली बलजीत कौर का मानना है कि इस काम लई उसनु अपने माता पिता की हलाशेरी मिली, पर दिल्ली विखे कड़ाके की ठंड में बैठे किसानों के जज्बे ने उसनु होर भी ज़्यादा प्रेरित किया। बलजीत ने यह कह के अपनी गल खत्म की कि हर किसी को अपने तरीके जिंदगी जीने का पूरा हक है। हर किसी को अपने हकों प्रति भी जागरूक होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ निगम टीवी।